अय्यर भाई को फोन करूंगा तो 50 सवाल पूछेंगे, तो मुझे ही कुछ पता नहीं है तो उनको क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, बबीता जी को ही फोन करता हूँ। जेठालाल का फोन बबीता के मोबाइल पर, वो भी इतनी रात को। हाँ बबीता जी, आप जल्दी नीचे आ जाइए। क्यों, क्या काम है? कौन अय्यर भाई? हाँ बोलो। ओ सॉरी, आपको लग गया। जयरलाल, तुमने बबीता को ही फोन लगाया है, लेकिन बबीता सो रहा है इसलिए रिसीव मैंने किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया, दरअसल मुझे आपका ही काम है। हा? इतनी रात को? हाँ, आप और बबीता जी जल्दी से भिड़े के घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, अभी छोटी का फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता है। हाँ बबीता जी को भी लेके आइए। बबीता का क्या काम है, वो अभी सो रहा है। अरे भाई, माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो क्या, सब लेडीज होंगे तो अच्छा रहेगा ना, दया भी आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बबीता, लगता है सोसाइटी में आग लगी। तारा को उठिए, फायर ब्रिगेड आई। उठिए, सोसाइटी में आग लगी, फायर ब्रिगेड आई। कौन सी फायर ब्रिगेड? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही फायर ब्रिगेड की? अरे मेरे फोन का रिंगटोन है भाई। अंजलि, आपके फोन का रिंगटोन ऐसा? हाँ भाई, जेठालाल के नंबर के साथ सेट कर रखा है, क्योंकि उसका जब भी फोन आता कोई ना कोई तकलीफ या मुसीबत ही होती है। हे भगवान, तो फोन तो उठाइए। अरे उठा रहा हूँ भाई। हाँ भाई जेठाल, बोलो अभी क्या तकलीफ है, क्या किया तुमने? अरे नहीं भाई, वो छोटी का भी फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। क्यों? पता नहीं भाई, उसने बताया नहीं। आप जल्दी आइए, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है। यार क्या मुसीबत, आता हूँ भाई। ये पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है, सो रहा है क्या? अभी सो ही रहा होगा ना अभी। अरे हाँ सॉरी सॉरी। हेलो पप्पू, और जल्दी पीड़ू के घर आ जा, पीड़ू ने पूरे सोसाइटी मेंबर्स को घर पे बुलाया। क्यों भाई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ओ पप्पू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस फटाफट आ जा। तो कोई खुशी की बात है? हाँ खुशी की बात है, आ जा फटाफट आ जा। सुन सुन सॉरी, और ज्यादा सवाल ना पूछे इसलिए मैंने बोल दिया। खुशी की बात है, पक्का मेरे रिश्ते की बात होगी, और सारे सोसाइटी वाले मिलकर मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। चल 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 पोपटलाल, जल्दी भिड़े के घर चल। चल चल दया, घर की चाबी ली। ले लियो। बापूजी आप इस वक्त? मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी छोटी का फोन आया था तो सबको भिड़े के घर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है, इसलिए मैं और दया वहीं जा रहे थे। हाँ बापूजी। अच्छा तो चल, मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ। चल तो आप लोग जाइए, मैं घर में रुकती हूँ। क्यों? टप्पू घर में अकेला है ना। अरे तेरा टप्पू अभी छोटा किकला थोड़ी है भाई, वो बड़ा हो गया। चल चल अभी चल चल बहू, चल। माधवी बहू को टेंशन होगा तो लेडीज होता साथ में तो अच्छा रहे। टेंशन लाला पेड़ो, और शांत हो जाए यार, अपने सोसाइटी वाले होंगे यार, शांत रह। तुझे किसी ने मारा क्या? नहीं 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 चाचा जी, मुझे किसी ने नहीं मारा। ब्लैक मास्टर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है आती भाई। और कुछ ठीक नहीं है जी, ये झूठ बोल रहा है। देखो इतनी ठंडी में भी इसको इतना पसीना आ रहा है, बीमार हो गया तू। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं जेठालाल, मैं बीमार नहीं हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा टेंशन है बस। बड़े मास्टर टेंशन से ही सारी बीमारी। सारी बीमारियां टेंशन से ही होती है। हाँ। नहीं नहीं आती भाई, मैं बीमार नहीं हूँ भाई। अरे भाई तब तो क्या है, मतलब आधी रात का हम सबको क्यों बुलाया है, क्या हुआ है भाई? हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ माधवी भाभी, बोली ना कुछ। बताता हूँ मैं सबको बताता हूँ मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन सबको पहले आ जाने दो। अरे पर अभी सब तो आ गए, और कौन बाकी है? ओ,
पोपटलाल नहीं है ना अभी तक। तूने आधी रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है? नहीं नहीं जेठालाल। तो क्यों बुलाया सबको आधी रात को भाई? हाँ सॉरी सॉरी, मैंने सबको आधी रात को बुलाया, लेकिन मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि बात बहुत गंभीर है। अच्छा तो क्या क्या बात क्या है भाई बता। बताता हूँ मैं सबको एक साथ बताऊंगा, पहले पोपटलाल को आ जाने दो। पोपटलाल? पोपट बाबू जी कहाँ रह गए? आ गया आ गया आ गया आ गया। चल हेलो। आ गया भाई मैं आ गया। हेलो हेलो हेलो। पोपट भाई आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं क्यों? ये सूट बूट, तू भी आजकल रात को सूट बूट पहन के सोता है? नहीं। अरे तो फिर इतना तैयार होके क्यों आयो? मिस ओडी ने मुझे फोन पे बताया कि खुशी की बात है तो मैं समझ गया पक्का मेरे रिश्ते की बात है और आप सब मुझे सरप्राइज देना चाहते है, तो मौके के अनुसार तैयार होकर मैं आ गया। ओ पोपो तू ज्यादा सवाल ना करे, इसलिए मैंने बोला कि खुशखबरी है। डिब्बे तुझे शादी के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? अरे यहाँ इतना टेंशन है और तू अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। अरे ये देख भिंडी मास्टर के कपड़े फट गए और तू सूट पहन गया। बताइए चाचा जी क्या जमाना आ गया है। शान, बिड़ो क्या हो गया तुझे? बिड़ो अब तो पोपो भी आ गया, हूं तो दस की हो गया। मेरी बात तो सुनो। अरे तू खुद ही चिल्ला रहा है भाई। सॉरी सॉरी चाचा जी, देखिए मैंने आप सबको यहाँ पे इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप लोगों की सलाह चाहिए। आप पर किस बात पे सलाह चाहिए? बात बताएगी नहीं तो कैसे सलाह देंगे हम लोग? हाँ। बताता हूँ जेठालाल, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा धीरे से बात कीजिए। भीड़े भाई तुम गंभीर बात है क्या? कोई गंभीर बात है क्या? अरे दया वो मांड मांड बोल रहा था तो बीच में पूछ बैठी। अरे भाई शांति रखना, वो बता रहा उसको बताने दे। हाँ बता भाई भीड़े। पहली बार तो बोला मैंने। हाँ, दरअसल बात ये जेठालाल, आइए दरवाजा बंद करो पहले। कौन कौन? नहीं नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई आया ना जाए इसलिए। देखिए बैग मिली, बैग। अरे थोड़ा सा तो जोर से बोल भाई। हाँ कुछ सुना ही नहीं दिया भाई। एक मिनट। हाँ मुझे एक बैग मिली है, बैग। पिड़ो कमाल करता है तू, इतने रात को हमको ये ब्रीफकेस दिखाने के लिए बुलाया? सोड़ी ये सीधा साधा ब्रीफकेस नहीं है, 125 करोड़ का ब्रीफकेस है। व्हाट? प्लीज कोई चिल्लाना नहीं है प्लीज। से बिस्किट नहीं है। ये असली सोना है। अरे 100 टच असली सोना है अय्यर भाई। बता बता। अरे ये नहीं, ये तुमने झूठा कर दिया, दूसरा दे। अरे सोन्याची बिस्किट फेंकता है कसले? मैं तो पहली बार। मोर गोल्ड, ये तो बिल्कुल असली सोना है। सबका बाकी भिड़े, इतने सारे सोने के साथ तुम्हें बैग मिला कहाँ?
मिला नहीं है मेहता साहब, मुझे एक आदमी ने दिया है, वो भी जबरदस्ती। मतलब संभालने के लिए? नहीं, इनाम में दिया है। इनाम? इनाम में इतना सारा सोना? इनाम? इतना बड़ा? मेरे भाई, पर आपको इतनी बड़ी गिफ्ट किसने दी और क्यों? बबीता जी, ये सोने की बैग जिस आदमी की है उसकी मैंने जान बचाई, इसलिए उसने मुझे इनाम में दिया। पूरी बात सुनिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए। सॉरी सॉरी, अरे अरे हळू बोल, मेरे घर में चोरी करवाएगा क्या? ओए पेड़ो, अब फालतू की टेंशन मत ले। ओए जब तक तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोड़ी है ना, कोई भी चोर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि गोकुल धाम में आके चोरी करे। ओए पेड़ो, नहीं नहीं, करोड़पति पेड़ो, ये तो जश्न मनाने का वक्त ही आ रहा है। भाई बेटे, तू जरा विस्तार में बता, डिटेल में बता कि वो आदमी तुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और तू करोड़पति कैसे बना। आपको तो मालूम है मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने जाने वाला था, तो मैंने मनोज भाई से पेमेंट कलेक्ट किया और फिर मैं आ रहा था तो एक आदमी मुझे मिला। ए रिक्शा। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो क्यों इतनी पीते है भाई? इतने भेटला बोर न का भेटू। ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। ए रुक जाओ। ए ए तुम रख लो, मेरे जान बचाने की छोटी सी कीमत है। और इस तरह मेरे लाख मना करने के बाद भी उस आदमी ने ये बैग मुझे इनाम में दी है, ये मेरा बड़ा टेंशन है। अरे इसमें टेंशन क्या है भाई? हाँ, अरे टेंशन तो है ना जेठालाल, इतने सारे सोने के बिस्किट का मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई आदमी बिना किसी जान पहचान के जिंदगी में तुम्हें पहली बार देख रहा है और इतना सारा सोना कैसे दे सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा मेहता साहब, ये 125 करोड़ का सोना है। अच्छा एक बात बताओ बड़े, जिस आदमी ने तुम्हें ये सोना दिया वो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? मतलब ये बड़े कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था, उसकी वेशभूषा कैसी थी, स्वभाव कैसा था, मतलब वो अपने कपड़ों से कैसा लग रहा था, कोई गुंडा मवाली था, ऐसा कोई सड़क चलता आदमी था या कोई शरीफ खानदान का आदमी लग रहा था? हुलिया, हुलिया, हुलिया। हाँ। नहीं, नहीं, स्वभाव और पहराव से तो वो किसी अच्छे घर का ही लग रहा था। अच्छा, तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन तो होगा ना जेठालाल, ये सोना मेरे कमाई का नहीं है, मुझे इनाम में मिला है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? भीड़ भाई एक बात बताइए, जब वो भाई ने आपको सोने के बिस्किट दिए तब उन्होंने खुशी खुशी दिए थे? हाँ। बस तो उन्होंने खुशी खुशी दिए तो आप खुशी खुशी रख लीजिए। हाँ बिड़ू। अरे लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आए तो उनका अपमान थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। सही बात है। और भीरे भाई, इस आदमी ने आपको अपनी मर्जी से ये सोना दिया है, आपने चोरी थोड़ी की है। और ये भी ठीक है। बिल्कुल बराबर कहा बबीता जी आपने। हाँ भीड़े भाई, तो ये सोना रख ले, बबीता जी का, अय्यर भाई का, मेरा, दया का, सबका यही मानना है ना अय्यर भाई, बराबर ना? ओ पिड़ो, ओ मेरा भी यही मानना है। और तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है तो इसके लिए तेरे को इतना बढ़िया फल मिला है। ओए मीठा फल है, रख ले और फर्स्ट क्लास खा ले। लेकिन सूढ़ी, इनाम देने वाला आदमी नशे में था, नशे में। तो पिड़ो, और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। हाँ, पर कोई कितना भी नशे में हो, 5 किलो सोने के बिस्किट थोड़ी कोई किसी को देगा। सही बात है माधवी बाबी, बड़े मास्टर तुम करोड़पति बनने की खुशी मनाओ यार। आती भाई कैसे खुशी मनाऊं, ये सोना रखना मेरे उसूलों के खिलाफ है।
अरे भाई वो आदमी जब तुम्हें ये बैग दे रहा था तभी कहाँ गए थे तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा उसूल? जेठालाल मैंने तुम्हें बोला ना, उस आदमी ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, वो टैक्सी में बैठ के चला गया और मुझे मालूम नहीं था कि इस बैग में सोने के बिस्किट है। एक मिनट भिड़े, तू कह रहा है कि वो आदमी नशे में था? अभी नशे में होने के बावजूद भी उसने सोने से भरा बैग तुझे दिया, तुझे बोलने का मौका नहीं दिया और खुद टैक्सी में बैठ के चला गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो इतना भी नशे में नहीं था। वो भली भांति जानता था कि वो क्या कर रहा है, बराबर कि नहीं? सही बात है भाई भिड़े, उसने खुशी खुशी तुझे ये बैग दिया है तो मेरे हिसाब से तो तुझे रख लेना चाहिए। ओ बराबर है, आहो वो आदमी सच में आपको इनाम में सोना देना चाहता था। अच्छा मैंने माना कि वो मुझे इनाम देना चाहता था, लेकिन इतना कीमती इनाम? और जान बचाने की थोड़ी कोई कीमत होती है, वो भी नहीं। नहीं नहीं माधवी, देखो ये इनाम रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है, हम लोग इसे नहीं रख सकते। अच्छा मान लेते कि तुझे ये सोना उस आदमी को वापस पहुँचाना, हाँ। तो कैसे पहुँचाएगा भाई, उसका कुछ नाम होता पता तुमको पता है? अदनान एक काम करो, इस बैग को चेक करो, हो सकता है इसमें उस आदमी का कोई विजिटिंग कार्ड हो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। करेक्ट, जेठा एक मिनट पकड़ो। हाँ। शायद मिल जाए। अच्छा अच्छा गुड आइडिया, कुछ नहीं है, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जिस सोने के लिए अब तुम इतना टेंशन ले रहे हो, जिस वक्त ये सोना मिला था अगर तुम्हें नहीं रखना था तो तुम उसी वक्त पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले गए? मेहता साहब मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, इनफैक्ट निकला भी था, लेकिन सुनसान सड़क थी, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी, ऊपर से मेरे हाथ में ये इतना महंगा सोना और मेरा मोबाइल भी टूट चुका था। माधवी चिंता कर रही होगी ये सोच के मैं पहले यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं चलो, तुमने जो किया अच्छा किया, अभी ये सोने का स्वीकार करो और शांति से सो जाओ। अरे क्या सो जाए जड़ेलाल, ये सोना चोरी का हुआ तो? यही सोच के तो मुझे टेंशन हो रहा है यार, अगर ये सोना चोरी का हुआ था तो मैं फंस जाऊंगा। सही बात। अरे लेकिन उसने तुमको बोला था ना कि भाई ये सोना उसकी मेहनत का है। हाँ तो जड़ेलाल, चोरी करने के लिए भी मेहनत लगता है। आपको कैसे पता है? क्या मतलब? अरे भाई भिड़े तो मेरी बात मान, उसने खुशी खुशी सोना दिया तो स्वीकार कर ले भाई। सही बात। क्या हाथी भाई आप हर बात पे सही बात कह रहे, कोई एक बात पे सही बात कहिए भाई। पुपटलाल मुझे पहली बार सुनने पे हर बात सही लगती है, इसलिए मैं सही बातें बोलता हूँ। भिड़े मास्टर तुम ज्यादा टेंशन लेके अपनी सेहत मत बिगाड़ो। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैंसल कैंसल भाई, बाकी सब सोचना कैंसल कर और जैसा मैं बोलूं वैसा कर। क्या भाई तू ये सारा सोना अपनी किस्मत या कर्मों का फल समझ के रख ले। हाँ, बराबर मस्त है। मैंने तेरे को सवेरे ही बोला था, किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता, अभी तेरी किस्मत ने टर्न ले लिया तो उसको रब की मेहर समझ। अरे बिड़ा समझ ले, तेरा राजयोग शुरू हो गया। पर हमने कितनी कहानियां नहीं सुनी है जिसमें राजा का कुंवर या कुंवरी बीमार होते हैं तो वैद्य आते हैं उनको ठीक कर देते हैं, तो राजा खुश होकर उनको इनाम में 5-6-10 ऐसे गांव दे देते हैं। तो समझ ले आज के टाइम में तुझे ऐसा एक राजा आदमी मिल गया जिसने खुश होकर तुझे ऐसे सोने से भरी बैग दे दी। भीड़े भाई समझिए कि आपकी किस्मत पलट गई। मेरी माँ हमेशा कहती है जब किस्मत खुलनी होती है ना तो किसी भी जरिए खुल जाती है। सही बात है। चाचा जी आपका क्या कहना है? देख भाई भिंडी मास्टर, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अब हम में से कोई तुझे कहेगा कि ये सोना रख ले और कोई तुझे कहेगा कि सोना लौटा दे। मेरे हिसाब से तो ये तुझे नक्की करना है कि तुझे सोना रखना है या लौटा देना। रखते सर। इस वक्त कौन आया होगा? कौन इस वक्त डोरबेल बजा रहा है? मुझे तो इस वक्त ये डोरबेल की आवाज बिल्कुल बॉम्ब की आवाज की तरह लग रही है। एक तो भिड़े के घर में इतना सोना किसने दिया, क्यों दिया, यही समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कोई आ गया है, क्या करें?
आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना प्लीज, सोने को रखें या नहीं रखें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और इस वक्त कोई आ गया है। ये इस वक्त जो दरवाजे पे घंटी है मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, दरवाजे के बाहर कोई हंगामा ना हो कि खुलते अंदर आ जाए। ये भगवान, अब कोई और हंगामा नहीं चाहिए, ये सोना अंदर वैसे ही बहुत मुसीबतें लेके आया है, कि नया हंगामा होगा या क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इस वक्त तो आया होगा। अहो, जब आप बैग लेकर आ रहे थे तब आपको किसी ने देखा तो नहीं था ना? मधवी, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन अगर किसी ने मुझे देखा होगा तो मुझे नहीं मालूम। अरे तू फिकर ना कर पिड़ो, तेरे दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी के होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और मैं देखता हूँ कौन है। कोमल भाभी, मुझे लगा चोर है, सॉरी सॉरी सॉरी। जल्दी आ जाओ अंदर। अभी तक घर पर नहीं आए तो मैं देखने चली आई कि क्या टेंशन है। कोमल, बड़े मास्टर को 125 करोड़ का सोना मिला है। हाँ। दरअसल कोमल हुआ यूं, अभी कांग्रेस मत कीजिए कोमल भाभी, क्योंकि मैंने अभी तक तय नहीं किया कि ये सोना मैं रखूंगा कि नहीं रखूंगा। वैसे मुझे सोना रखना गलत लग रहा है। कमाल कर दिया पिड़ू, और हम सबके जब तेरे को सुननी नहीं है और तुझे हमारी बात गलत ही लग रही है तो हम सबको सलाह देने के लिए बुलाए क्यों? सोढ़ी, अच्छा चलो मान लेते कि ये इनाम मैं रख लेता, लेकिन इतना सारा सोना मैं रखूंगा कहाँ और इनकम टैक्स वालों को क्या जवाब दूंगा? अरे भाई, ये सोना बेच के तो टैक्स भर देना, फिर क्या टेंशन है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है तू। सही बात है। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, उनको सब बताना चाहिए। अरे अभी तक तो तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ये सोना जो उस आदमी ने तुम्हें दिया उसका खुद का है या चोरी का है, और उस आदमी का आता पता भी तो नहीं मालूम तुम्हें, तुम जानते भी नहीं हो वो कौन था, कहाँ का रहने वाला है, कैसे तुम्हें सोना दे गया, तो इतने सारे सवालों का क्या जवाब दोगे तुम पुलिस को? एक बार तुम ये तय कर लो तुम्हें सोना रखना है या नहीं रखना। सही बात भाई, मेहता साहब की बात बराबर है भिड़े, जैसे मेहता साहब ने बोला सवाल बहुत सारे है, तो तू एक काम कर, तू शांति से सोच ले हा? तुझे सोना रखना है कि नहीं रखना है। मेरे हिसाब से ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, और वैसे भी क्या अभी आधी रात को ये सब जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तो अभी शांति से सोचा, सुबह उठ के फिर तो एकदम फ्रेश ऐसे दिमाग से सोचना क्या करना है, ठीक है? क्या बोलते भाई साहब? देखो बेटे, हम लोग सुबह 9 बजे मिलते, उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है, अभी तुम आराम से सो जाओ बस। मेहता साहब, घर में इतना सारा सोना है तो नींद कैसे आएगी? हाँ, इतना सोना घर में होगा तो चैन ही नहीं पड़ेगा। और तुझे डरो नहीं, और रोशन सिंह थोड़ी है यार। अरे माधवी बाबी भिड़े, इतने सी बात में आप लोग इतना क्या टेंशन ले रहे? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी बात है जेठालाल, तो ये सोना तुम अपने पास रखोगे प्लीज? हाँ, उसमें टेंशन की क्या बात है, दया संभाल कर रख देगा। अरे पिड़ो, नहीं पिड़ो नहीं, ओ करोड़पति पिड़ो, अब सारी चिंता दूर होगी ना। डोंबला था करोड़पति, टेंशन हो रहा है मुझे यहाँ। अरे भीरे भाई रिलैक्स, अभी तो टेंशन मत ले, आराम से सो जा, चलो अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन एक मिनट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सोने की बैग वाली बात किसी को बताना नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट भीरे भाई। अरे डी मास्टर, कैसी बात कर रहा है तू, ऐसी बात कोई किसी को बताता है? पोपटलाल तुम खास ध्यान रखना। क्या मतलब है भाई जेठालाल, मैं क्या तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा कि भिड़े को 125 करोड़ का सोना मिला है? नहीं नहीं पोपट भट। अरे ऐसी बात नहीं है, मान लो कल को तुम्हें किसी लड़की का रिश्ता आया तो गलती से तुम ये ना बोल बैठो कि भाई मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। पोपटलाल, बस बस बस, पोपटलाल किसी को नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं नहीं, और हाँ टपू सेना को भी ये बात कोई नहीं बताएगा। हाँ बराबर है, टपू सेना कहीं भोलेपन में किसी को कुछ कह देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ जेठालाल, बैग जरा संभाल कर रखना प्लीज। अरे चिंता मत कर, एकदम संभाल कर। अरे एक मिनट, ये इस चेन से बैग को बांध के रखो। अरे भाई मैं यहाँ घर चल के जा रहा हूँ, ट्रेन में थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा ना। वो भीड़ में खाने का चिंता कर रहे हैं। अरे भाई मैंने बोला ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तू आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा। चलो आराम से हो जा, चलो चलो आ जा आ जा। मैं तो टेंशन चला गया, चलो टेंशन मत लो, आराम से रहना, कोई नहीं करना। थैंक यू। वो जरा बैग संभाल के जेठालाल, संभाल के रखेंगे, टेंशन ना ले ब्रो। चलो भाई कर भी इधर आ गया, कमाल है गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट आती भाई, हाफ गुड नाइट बोलिए, आधी रात तो चली गई है। सही बात है, हाफ गुड नाइट। चलो ओके ओके कमल भाभी, चलो भाई सूट बूट उतार के सोना। ओके मेहता साहब, ओके चलो। जेठालाल बैग जरा संभाल के रखना। क्या बोल रहे हो? बैग संभाल के रखना। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तू? सॉरी मला असते उड़ायचा येत नाही, नाहीतर आला असतो तिकडे वरती। बैग संभाल के रखना। अरे डांस डांस क्या? तुम्हारे हाथ में जो बैग है ना, बैग वो संभाल के रखना। बैग संभाल कर रख। हाँ भाई वो तो संभाल के ही रखूंगा ना भाई, बस वही बोल रहा था। हाँ संभाल, चिंता मत कर, संभाल कर रखो। भीड़े भी बैग की बहुत चिंता कर रहा है। नहीं करनी चाहिए ना। एक काम करो, ये जो 1.25 करोड़ का सोने का बैग है ना, तुम अपने घर में रख लो आज रात। लेकिन चिंता तो करनी चाहिए, मैं कह रहा था चिंता करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए। अच्छा चल जल्दी। अच्छा हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, हाफ गुड नाइट, आधी रात गई भाई। चलो भैया ओके ओके, टेक केयर। कैसे फंस गए, क्या कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, बात कर रहा था। किससे? अरे टिकड़े नहीं, नीचे बात कर रहा था। ओके भाई किससे बात कर रहे थे आप? काय झालं तुम्हाला? अरे जेठालाल खड़ा था, उससे बात कर रहा था, उसे बोल रहा था कि उसके पास जो बैग है वो संभाल के रखे। आपको भी ना चैन नहीं है, जेठा भाई ने कहा ना वो संभाल कर रखेंगे सोना, वो तो संभाल कर रखेंगे ना। क्या अभी अभी बात करोगी, मुझे हेल्प करोगी? नहीं नहीं काट दे मां, हलू थाम मां, हलू हलू काट दे। हां बरोबर बरोबर, या 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 बाहर 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 बाहर। अरे ये तो बहुत इजी था, ठीक है। आया 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 चलाना आता। आप आ गए? अरे तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ बताइए ना क्या हुआ भिड़े भाई के वहाँ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, एवरीथिंग ओके? अरे दिलीप भरा हूँ मैं, खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कि बात टेंशन वाली है या खुशी वाली। मतलब तब गई हूँ। तो ये बात है, बाप रे इतना सारा सोना, यानी भिड़े भाई के घर इतना बड़ा टेंशन है। आ, लेकिन वो टेंशन अभी जेठालाल के घर में है। हा? पर अभी तो आपने कहा कि सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े भाई को गिफ्ट मिला है, तो जेठा भाई की वहाँ टेंशन? अभी वो सोना भिड़े को ही मिला है, लेकिन भिड़े को डर लग रहा था कि 1.25 करोड़ का सोना मैं अपने घर में कैसे रखूं, तो उसने जेठालाल को दे दिया भाई रात को तुम अपने घर में रख लो, तो वो टेंशन वहाँ शिफ्ट हो गया। कैसा है ना तारक, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से एक टेंशन जाता है तो दूसरा टेंशन कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है। और आज देखो टेंशन ने जो आने का टाइम चुना, अभी आधी रात को। हाँ तारक आपने बिल्कुल सही कहा, पता ही नहीं चल रहा कि ये खुशी की बात है कि टेंशन की बात है। लेकिन कुल मिला के टेंशन तो है अंजलि, और अभी जेठा के घर में है। भिड़े भाई की तो किस्मत खुल गई। अरे एक ही रात में करोड़पति बन गया बापूजी। ये नए साल की शुरुआत भिड़े के लिए धमाकेदार रही। नहीं ले ले दे, इसको संभाल कर रख दे भाई। हाँ सोना है 1.25 करोड़ का।
बापूजी, हाँ, आपको क्या लगता है ये सोना चोरी का होगा? उस आदमी ने जब भिड़े को बैग दिया तो मैं वहां था? नहीं, जिस आदमी ने भिड़े को बैग दिया क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबू सर मुझे कैसे पता होगा? मुझे क्यों पूछ रहे? ऐसे क्या? ऐसे क्या मतलब? क्या मतलब? सॉरी। अरे ये क्या, सोने की बैग यहाँ क्यों रखी? क्या अरे आप जोर जोर से सोना सोना ऐसा मत बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो? ठीक है, ये सोने की बैग यहाँ क्यों रखी है? मेरी माँ हमेशा कहती है, चोर लोग जब चोरी करने के लिए आते हैं ना, तब उनकी नजर घर की तिजोरी की तरफ होती है, बाहर इतना कीमती सामान नहीं होगा, ऐसा चोर लोग सोचते हैं, इसलिए मैंने बैग को यहाँ रख दी। नहीं, सासू माँ का आइडिया बराबर है, लेकिन फिर भी ये बैग को अभी तू अंदर तिजोरी में रख दे। अरे पर... मेरा भाई बोला उतना कर ना भाई, ये बाहर रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, अंदर रख। ठीक है, मुझे नींद आएगी। चल 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 जल्दी। ठीक से अंदर रख देना बैग। सूरज का उगना, पत्तों का गिरना और दया को सौंपे हुए काम के लिए दया पे कभी संदेह नहीं करते। अरे बैग अंदर रख दी कि नहीं बराबर वो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना भाई। हाँ बाबा रख दी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? बस चलो सो जाओ, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, चुपचाप सो जाओ। चलो नहीं आ रही है माधुरी। आपको नहीं लगता ये सोना हमारी नसीब का है? याद है सुबह सोड़ी भाई ने कहा था किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले पता नहीं चलता। माधुरी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोने की वजह से हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। आप टेंशन में है ना इसलिए ऐसा नकारात्मक सोच रहे हैं। जरा ऐसा सोचिए ना कि उस इंसान ने अपने अपने दिल से, सच्चे दिल से आपको ये सोना दिया है। जरा सोचिए अगर हम लोगों ने इतना सोना बेचा तो कितना पैसा आएगा अपने पास, और इन पैसों से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं, हम लोग विदेश घूमने जा सकते हैं। सोनू सोनू फाइनली हम लोग पेरिस में है, तुम्हारा आईफेल टावर देखने का सपना पूरा हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ, we have different kind of pickle. Yeah yeah, mango pickle, lemon pickle we have. हाँ. Hello. एक second, एक second. हाँ, भिड़े आचार पापड़, एक में आचार पापड़। हाँ जी हाँ जी। सोनू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकते हैं। सोनू की धूमधाम से शादी भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी मस्त आराम से कट जाएगी। नहीं का? माधवी ये सब सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे लिए सपना ही है ये सब। आपको अभी भी सपना ही लग रहा है? वो 5 किलो सोना है अपने पास, उस इंसान ने इतने प्यार से दिया है तो रख लेना चाहिए। माधवी हम लोग कल सुबह डिसाइड करते हैं क्या करना है, अभी सो जाते हैं। ठीक है। देवा वो सोना जेठा के घर पे सुरक्षित रखना। भाई तेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? एकदम पक्की है। आत्माराम भिड़े को जो सोना मिला है ना, हाँ सोना उसने जेठालाल के रखा है। क्या बात कर रहे हैं?
लेकिन जेठालाल के घर पे जाएंगे कैसे? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, चल बस। गली का दरवाजा खुला है, किसी भी नहीं खुलने लाए। नहीं खुलेगा, वो भी झूठा है। वो मूर्खों की निशानी है ना, इसलिए संभल कर रखा है। इतना नया? वो घर में अभी सब वो कलरिंग करा है ना, तो पेंटर ने गलती से उसको भी कलर मार दिया भाई। बाकी बहुत पुराना है, कुछ कम का नहीं है, कुछ नहीं उसमें। ए चुप, हमें खबर मिली है कि तेरे घर में 5 किलो सोना है। सीधी तरह से सोना दे दो वरना। देखिए देखिए भाई साहब, वो सोना हमारा नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी साहब है ना, आत्मराम तुकाराम भिड़े जी, उनका है। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचाई, तो भाई साहब ने खुश होकर इनाम में उनको दिया। खाली उन्होंने तो आज रात के लिए हमको संभालने के लिए दिया है, ये हमारा नहीं है, उनकी अमानत है भाई साहब। प्लीज प्लीज, वो नहीं दे सकते प्लीज। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। चलो। आप कहेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में चोर आ गए, और मैं गाने गा रहा हूँ, आप कहेंगे मेहता साहब का दिमाग चल गया, लेकिन दिमाग नहीं चला है साहब, सिचुएशन वही है। आप देखिए ना, पहले आप के चक्कर में लखनऊ के नवाबों की ट्रेन निकल गई थी, और यहाँ सोना रखा जाए न रखा जाए ये फैसला हुआ ही नहीं कि उसके पहले चोरों ने हाथ साफ कर लिया। क्या किया जाए, ये धन जीवन में इतनी समस्याएं लेके आता है कि पूछे मत। धन न हो तो दाल सब्जियों का भाव हमें परेशान करता है, धन हो कहाँ रखें, किसे दें, कैसे दें, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इतने सारी परेशानियां, इतने सारे टेंशन। लेकिन ये टेंशन धन का नहीं है, जीवन है तो ये सब कुछ होगा ही। जीवन कभी खुशी देता है, कभी गम देता है। लेकिन अभी यहाँ पे चोरों ने ये सोना साफ कर दिया है, और इस चोर के पहरेदार जेठालाल भिड़े को क्या जवाब देंगे, और भिड़े कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा आगे? भाई अभी करोड़पति बने ही नहीं थे भिड़े, कि रह गए सिर्फ पति, और ऊपर से ये विपत्ति। लेकिन यहाँ कितने भी विपत्तियां आए आप तो हंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हर विपत्ति के पीछे बहुत सारे ठाक है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। देखिए भैया, आप हमारे घर की सारी कीमती चीजें ले जाइए, लेकिन भिड़े भाई का सोना उसे छोड़ दीजिए ना। प्लीज प्लीज। तो ठीक है, फटाफट सारे गहने और पैसे निकाल कर दे दो, चलो। जल्दी। और निकल। बस अपुन का काम ही चाहिए चीटिंग करना। ये डायलॉग बाजी क्या कर रहा है?
सोना मिल गया ना चल। अरे भाई रुक जाओ कहा जा रहे रुक जाओ जेठाला जेठाला पकड़ो उनको अरे उन चोरों को पकड़ो तेरे भाभी अरे वो सोना अपनी हमारा तो किसी और की है पकड़ो उनको अरे पकड़ो उनको कहाँ चला कितना चिल्ला रहे थे आप बाप रे ये हुआ क्या हुआ कितना भयानक सपना देखा मैंने बाद में मैंने देखा सपने में कि जेठा घर में चोरी हो रही है और वो दो चोर जिनको मैं मिला था ना रास्ते में वही चोरी कर रहे हैं सोने की बैग चुरा कर भाग रहे थे कैसे सपने देखते हैं आप आदमी इंसान के बस में थोड़ी होता है सपने देखना अरे बाबा अभी सो जाइए थोड़ी देर बाद उठना ही है 5 बज रहे हैं सिर्फ अब कितने बजे 5 सुबह के 5 मतलब ये सुबह का सपना है अरे बाप रे ये काय चल आओ आओ अरे बाप रे बाप माधवी जेठाल के बालकनी का दरवाजा खुला है तो अरे मैंने सपने में देखा था कि चोर बालकनी के रास्ते से अंदर गए मैं उसके घर में जाके आता हूँ अहो क्या कर रहे हैं आप वो सपना था फिर भी माधवी मुझे तसल्ली करने दो प्लीज अहो क्या रात को सावकाश अरे चश्मा भी टूट गया इनका वाले भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए भैया अरे भाई आप क्या हुआ नहीं भाभी वो 25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो क्या कर रही है दया भीड़े भाई की सोने का बिस्किट वाली बैग चोरी हो गई है क्या बोल रही है अरे कैसे चोरी हो गई कबाड़ तो बंद किया था तुमने भैया मेरे बंद किया था तेरे खोल खोल कबाड़ खोल क्या बोल रही है तू बैग तो है तो मैं नहीं बोल रही हूँ भीड़े भाई ऐसा कह रहे हैं वो यही बाहर ही खड़े हैं अरे भिड़े तुझे किसने बोला भाई बैग चोरी हो गई है बैग सलामत है भाई नहीं नहीं मुझे किसी बोला नहीं जेठालाल मुझे सपना आया था ये सपना आया ऐसा आपने कब बोला भिड़े भाई दया भाभी 25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो गई है ऐसा मुझे सपना आया है तो आप जाके चेक कर लीजिए कहीं ये सपना सच तो नहीं ये सब मैं बोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही आपके हाथ से पतीली छूट गई थी और आप सॉरी नहीं नहीं अरे मैं सॉरी एक्चुअली मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई अरे नहीं नहीं अरे पर भिड़े जब तुझे पता था कि यह सपना है तो फिर क्यों चेक करने चला आया जेठालाल मैंने तुम्हें बोला था ना जब मैं ये बैग लेके घर पे आ रहा था तो मुझे दो लोग मिले थे जो चोर जैसे लग रहे थे मैंने सपने में देखा कि वही चोर तुम्हारे बालकनी के दरवाजे से घर में आए और ये बैग चोरी करके भाग गए और जब मैं अपने बालकनी में आया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बालकनी का दरवाजा तो खुला है इसलिए मैं डर गया और वो चेक करने के लिए भागा भागा यहाँ पे चला आया अच्छा अच्छा एक काम कर भेड़ अभी ये बैग तू अपने पास अपने घर पे ही रख क्या दोबारा अगर सपना आया तो तू वही के वही उठ के चेक कर सकता है ना कि भाई बैग सलामत है यहाँ तक आने का धक्का नहीं 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 जेठालाल ये बैग तुम्हारे पास ही रखो तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित है बस वो बालकनी का दरवाजा बंद कर लेना हाँ वो तो हम लोग बंद कर लेंगे अभी बंद कर दूंगी सॉरी गुड नाइट गुड नाइट ओके ओके चलो शांति से सो जाना बैग सलामत है आप सो जाइए मैं दरवाजा बालकनी का बंद करके आती हूँ हाँ ठीक है टप्पू के पापा देखिए बालकनी का दरवाजा भी बराबर बंद कर दिया है और तिजोरी भी बराबर लॉक कर दी है तो बैग एकदम सुरक्षित है चिंता मत करो दया वो भिड़े का जाने के बाद
घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? दया, दया, बोलो, ये तो सो भी गई। इसकी नींद तो लाइट के बटन जैसी है, बटन बंद किया नहीं कि नींद आ गई। चलो मैं ही जाके देख लेता हूँ घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं। चलो दरवाजा तो ठीक से बंद किया है। ओहो, अभी तो 9:30 बजने बाकी है। ये भिड़े ना सुबह सुबह सपना देख के टेंशन में डाल दिया। वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, कहीं सही में भिड़े का सपना सच हो गया तो। अजीब टेंशन है। ये खुद के पैसे संभालना एक बात है, दूसरों के पैसे संभालना दूसरी। अभी जब तक भिड़े की बैग यहाँ है मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। हे भगवान, आज 9 जरा जल्दी बजा देना प्लीज। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ। मेहता साहब ये क्या काट रहे हैं? कोई अच्छा आर्टिकल छपा है क्या? अरे नहीं भैया, डाट फूड की रेसिपी छपी हुई वो काट रहा हूँ। ताकि अंजलि भाभी से देखने ले और खाना नहीं बनाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ अब्दुल, अंजलि तो पहले ही ये देख चुकी है और देखने के बाद बोली इसे काट के रखो संभाल के बाद में पढ़ के बनाऊंगी। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई, मेरी छोड़ो, भिड़े भाई के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तारक नाश्ता रेडी है। आया आया अंजलि, आओ अब्दुल नाश्ता कराता हूँ तुम्हें भी। नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे नाश्ता नहीं करना है, भिड़े भाई के पास जाना है। बाद में मिलता हूँ ना, वो जरूरी है, मैं चलता हूँ। समझता हूँ सब, समझता हूँ मैं। चलो भैया हम ही करें नाश्ता। सुबह हो गई पर अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सोना रखना चाहिए कि नहीं। अभी कुछ देर में सब आ जाएंगे, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधु भाभी गुड मॉर्निंग। अरे आइए अब्दुल भाई आइए, गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग, भिड़े भाई गुड मॉर्निंग, भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। आहो अब्दुल भाई आए हैं। अरे अब्दुल तुम कब आए? अरे भिड़े भाई आके 2 बार गुड मॉर्निंग भी बोल चुका, क्या बात है, कोई टेंशन है? हमने कुछ बताया इसे? आपका चेहरा बता रहा है। नहीं नहीं अब्दुल कोई टेंशन नहीं है, बताओ कैसे आना हुआ? भिड़े भाई मैं आपको गिफ्ट देने आया। गिफ्ट? बाप रे, लगता है मेरी कुंडली में गिफ्ट योग चल रहा है। कल रात भी गिफ्ट, अभी भी गिफ्ट। कहाँ खो गए भिड़े भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे भिड़े भाई ये कंपनी की नई स्कीम है, शैम्पू के साथ कंघी फ्री। कल आप दुकान पे आए थे ना, आप भूल गए थे, वही तो मैं लाया हूँ देने के लिए, ये लीजिए। ओके थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या, कंपनी की स्कीम है ये। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। ओके ओके। लाइए मुझे दीजिए, वैसे भी ये आपके काम की नहीं है, मजाक कर रही हूँ। माधवी यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ सोने को लेकर कि उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखिए आपको सोना रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, पर प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए। देवा ये तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है, अगर तुम्हें मुझे सोना दिलवाना ही था तो मेरे मेहनत के बदले दिलवाते, लॉटरी जीतवाते, ऐसे किसी अंजन आदमी के हाथों दिलवा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सोना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, तुम्हें ये सोना इनाम में मिला है। अरे लेकिन इनाम देने वाला होश में नहीं था, नशे में था। तो नशे में कौन नहीं है भाई, किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। माफ करना लेकिन इस वक्त तुम भी नशे में ही हो। मुझे किस बात का नशा है? स्वाभिमान का नशा, ईमानदारी का नशा है तुम्हें। अरे पगले
लोग ये रकम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते आजकल, चोरी लूटपाट डकैती, तुम्हें तो सामने से ही इनाम मिला है और तुम मुंह फेर रहे हो। जरा सोचो आत्माराम, तुम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। सोनू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज सकते हो, माधवी के आचार पापड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा कर सकते हो, अपने वीडियो ट्यूशन क्लासेस के ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। क्या तुम ये सब नहीं चाहते? चाहता हूं लेकिन। अरे क्या लेकिन, और इतना क्यों सोच रहे हो? एक सिंपल सा गणित है, तुमने उस आदमी की जान बचाई और उस आदमी ने तुम्हें इनाम में सोने के बिस्किट दिए, बस। इससे मुंह मत फेर लो आत्माराम, इसे रख लो। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि शिक्षक इनाम नहीं रख सकता? शिक्षक हो तुम, भगवान नहीं हो। अरे गोकुल नवाले भी तुम्हें यही समझा रहे थे कि तुम्हारी किस्मत का फल है, इसे रख लो, रख लो आत्माराम, रख लो। हाँ पर मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि। बाबा आप किससे बात कर रहे हैं, काय झालं बाबा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। आपको कुछ टेंशन है बाबा, बताओ ना क्या हुआ, सुबह से आई भी खोई खोई लग रही है। हो गई तू रेडी? आई बाबा, आप दोनों को कुछ टेंशन है? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं। अगर काई नहीं गा, जा तू कॉलेज ला, जा लोकर, पक्का कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ पक्का पक्का। नहीं है बड़ा काई। बाय 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 सावकाश। माधवी, सोनू को सोने के बिस्किट्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं नहीं, नहीं पता चला होगा, पर मुझे क्या लग रहा है हमें बताना चाहिए उसको। नहीं नहीं माधवी नहीं, जब तक हम लोग तय नहीं करते कि हमें उसे रखना है कि नहीं रखना है, सोनू को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते होंगे, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दया एक और खाखरा देना। जेठिया आइए आइए बाबूजी, बैठे नाश्ता कीजिए। अरे बैठे वाली, जरा घड़ी में देख कितने बज रहे हैं। 9:05। तो 9 बजे भीड़े के घर नहीं पहुंचना? बाबूजी घड़ी 10 मिनट आगे, अभी 9:15। या भाई, जो घड़ी से आगे चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तुझे अगर तेरे समय पे ही चलना है तो ये घड़ी 10 मिनट आगे क्यों रखी है? नहीं नहीं मैंने नहीं रखी, दया ने रखी है। चुप रहे, यहाँ भीड़े इतना टेंशन में है और तू घड़ी आगे पीछे कर रहा है। लीजिए टपक खाखरा। अरे यहाँ 9:05 है, 9 बजे भीड़े के घर पहुँचना है और तू खाखरा पे खाखरा खिला रही है। नहीं नहीं भाई, चल चले बाबू जी, चल चल बैठ जा। नहीं नहीं हो गया नाश्ता, हो गया, चलिए चलिए बैठ, बोला ना नाश्ता कर ले। अच्छा आप भी बैठ रहे, बैठ। नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं मंदिर में दर्शन करके सीधे भीड़े के घर मिलता हूँ। ओके बापूजी। क्या टप्पू के पापा पहले कहते दया एक और खाखरा ला, और दया बिचारी खाखरा लेकर आती है, फिर कहते क्यों खाखरे पे खाखरा ला रही है? इसका मतलब क्या, बापूजी को कैसे लगेगा कि आपको खाखरा नहीं खाना है, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती खाखरा खिला रही हूँ? अरे अभी तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट पड़ी। मेरी वजह से? तो घड़ी देख के बापूजी को लगा कि 9:05 है, 9 बजे भीड़े के घर पहुँचने और मैं आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। अरे तो बापूजी को कहना था ना कि घड़ी 10 मिनट आगे है, अभी 9:45 है। हाँ भाई वो बोला, तभी तो बापूजी ने मुझे कहा कि आ बैठ नाश्ता कर ले। रुकिया, अभी 9 बजे है, मतलब 9:10 कम है, तो आपको खाखरा खाना है कि मैं वापस ले जाऊं? अभी लाई है तो रहने देने, खा लेता हूं भाई। वैसे टप्पू के पापा, मैं कल रात से सोच रही हूँ, जो आदमी भीड़े भाई को इनाम में 1.25 करोड़ का सोना दे सकता है वो कितना अमीर होगा? अमीर तो होगा ही ना, वरना 1.25 करोड़ का सोना कोई किसी को ऐसे ही थोड़ी दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दया कि अमीर के साथ साथ वो कितना दिलदार है कि 1.25 करोड़ का सोना उसने ऐसे ही दे दिया भिड़े को। भारे छुट्टो हाथ, बाकी आज के जमाने में कोई किसी को 1.25 रुपया भी नहीं देता। तो कौन है ये आदमी? We'll be right back.
लगता है कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी कुछ। अरे ऐसे ही सो गया था। ओह गॉड, सर फटा जा रहा है मेरा। हेलो सर, वर्कशॉप से कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोल कमलेश। सर आज आप बिस्किट लेकर आओगे ना? क्या सोने के बिस्किट मेरे पास हैं? हाँ सर, आप कल शोरूम से लेकर निकले थे ना। हाँ 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 हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। जी सर। कल मैं शोरूम से सोने के बिस्किट से भरी बैग लेकर तो निकला था, पर वो बैग में घर पे लाया या नहीं? मुझे पीने के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? कहाँ होगी मेरी बैग? ओह माय गॉड, बैग तो घर पे नहीं है। कहीं वो बैग मुझसे गुम तो नहीं हो गई? मेरा मोबाइल भी कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अनु को पता चल गया तो? परसों अनु वापस आ रही है, अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा ससुर तो मुझे गांव ही भेज देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रैक्टर पे आ जाऊंगा मैं। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझसे वो बैग कहाँ गुम हुई है। 25 करोड़ के सोने की बैग मैं बार में भूल तो नहीं सकता। कहीं वो बैग चोरी तो नहीं हुई होगी? बैग जरूर चोरी हुई है, जरूर किसी ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया होगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की कंप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैंने पुलिस को सच बताया कि मैंने रात में शराब पी थी और मुझे कुछ याद नहीं, तो शायद पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। पुलिस से कहूंगा कि कल रात किसी ने मुझे बेहोश करके मुझसे सोने के बिस्किट से भरी बैग चुरा ली। हाँ ये अच्छा आइडिया, एक तीर दो निशान, बैग भी वापस मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो मैं उनसे भी बच जाऊंगा। अभी तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाता हूँ। भल का आदमी धनराज। अरे भाई आप भी सोच रहे होंगे कैसा आदमी है। भिड़े ने कल रात इसकी जान बचाई है और धनराज ने खुद सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े को दिया है और पुलिस में कंप्लेन करने की सोच रहा है। नहीं भिड़े फंस न जाए, ये नशा चीज ही ऐसी है सर, आदमी सब कुछ भूल जाता है। अब नशा चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे शराब का हो, धन का हो, सत्ता का हो, स्वास्थ्य का हो, आदमी को सब कुछ भुला देता है। क्या किया जाए साहब, क्या किया जाए। ये नशा स्वयं से ज्यादा दूसरों को तकलीफ देता है कई बार, और यही स्थिति इस वक्त यहाँ आ गई। धनराज पुलिस कंप्लेंट करने की सोच रहा है, इधर भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के साथ मिलकर ये सोचने वाला है कि ये सोना रखा जाए या ना रखा जाए। भाई ये सोच भी बड़ी कमाल की, लेकिन सोचना भी बड़ा आवश्यक है क्योंकि सोच ही आपके कर्म तय करती है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है कि भिड़े क्या सोचेगा, वो सोना रखेगा या नहीं रखेगा। और कहीं धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो क्या होगा? सवाल तो कई सारे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके घरों में फूटेंगे ठाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, पूरी उत्सुकता लगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।